कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग में आज का टॉपिक क्या है जानते हो? आखिर वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए? कई बार आप जिनसे प्यार करते हो उनके साथ नोकझोंक हो जाती है, या सेपरेट फेशन में आ जाते हो, इतने दुखी हो जाते हो कि ये जो सवाल होता है हमेशा आपके मन में रहता है जब आप ज़्यादा तकलीफ में होते हो कि आखिर वो ज़िंदगी में क्यों आए। जब उन्होंने मुझे मैंने उनके साथ अच्छा किया, जब उन्होंने मुझे इतना परेशान करना था, मेरी लाइफ को एकदम ख़राब करना था, तो क्यों आए मेरी ज़िंदगी में? आज की डिवाइन टैरो हमें यही बताएंगे। ये रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस है, जब जी चाहे आप देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप दूसरी रीडिंग पे जा सकते हो, लेकिन क्लैरिटी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी, साथ में मिलेगी एक प्यारी सी एडवाइस। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, क्योंकि कई बार मैं रीडिंग डालती हूँ, बड़े लोग कहते हैं कि मैडम आप लड़कियों के लिए डालते हो, लड़कों के लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चा है दिल का, अच्छा है, जिसका प्यार सच्चा है, ये रीडिंग हमेशा उसी के लिए रहती है। जिसके साथ रिजोनेट करती है उसके लिए भी रहती है। हाँ, रीडिंग करते करते हम लोग भूल जाते हैं, तो मैं फीमेल हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको लगता है। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। द हर्मिट फर्स्ट कार्ड ही गाइस, कुदरती जैसा ही टॉपिक होता है वैसा ही कार्ड निकल के आते हैं। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चला गया आजा रसिया, ओ जाने वाले आजा तेरी याद सताए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, खाबों का घरोंदा कहीं टूट ना जाए। जी हाँ, आप इंतजार करते हो उनको। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं भी कह रही थी अर्थ साइन नहीं आया, सारे साइन आ गए। टू ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, बॉटम आपके फेवर का है। फोर ऑफ कप्स आया है बॉटम। तो मैं आपको बता दूं, आपके ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन को लेके सबसे पहले हम चलते हैं कि आप लोगों के कुछ पर्सन ऐसे हैं बहुत भोले, और एक ऐसे इंसान है जिनको छल कपट और हेरा फेरी नहीं आती, हर वक्त चीज़ें बनाने को सोचते हैं और टूट जाती हैं। क्या मतलब? कि जैसे होता है कुछ ज़्यादा अच्छा करने का सोचते हैं तो ज़्यादा ही खराब हो जाता है। तो कुछ लोगों के पर्सन जो होते हैं थोड़े जिद्दी, अड़ियल और हल्के से इगोस्टिक, इसलिए उन्होंने अपना रिश्ता खराब किया। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। तो गाइज, मैं आपकी बताती हूँ कि जब वो आपकी लाइफ में आए तो आपकी लाइफ में आना एक उनका संजोग वर्ष वंश था। एक संजोग वंश कुदरती बात थी, आपकी लाइफ में आए हैं। आप लोगों का
कनेक्शन था आप एक दूसरे के साथ जुड़ने का, ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया था, किस्मत कनेक्शन भी कह सकते हो, संयोग वश आपके पास आए और आप लोगों का आपस में प्यार पड़ गया और रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि आपने उनसे कई उम्मीदें लगा ली। और जैसा कि मैंने बात बताया आपको कि आपके पर्सन कुछ जिद्दी, अड़ियल और ईगोस्टिक है, तो आप खुद ही अपने माइंड से सोचिए, इंट्यूशन से, क्या ऐसे पर्सन जो होते हैं वो रिश्ता जोड़ने के बाद कितने परसेंट अपने रिश्ते में खरे उतरते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन, जैसे मैंने बताया कि बोले हैं, बनाने की सोचते हैं, बिगड़ जाता है। इनकी तो ऐसे होता है, जब ईश्वर कभी साथ दे तो बिना बनाए भी बन जाए। आपके साथ जब इन्होंने रिश्ता जोड़ा तो इनका बिने बिना बनाए ही बन गया। इन्होंने इतनी मेहनत नहीं करी होगी जितनी जल्दी इनका बन गया होगा। तो ये था आपका एक किस्मत कनेक्शन। चीज़ें आगे गई, आपने अपनी लाइफ का वो पार्ट्स या वो चीज़ें इनको दी जो कोई एक बार आगे जाने के वक्त 10 बार सोचता है। और आप हमेशा रहे अपने रिश्ते के सीरियस। लेकिन जो आपके पर्सन थे वो, जैसे कि मैंने कहा, जिद्दी, अड़ियल, इगोस्टिक है। ऐसे पर्सन जो होते हैं कई बार प्यार करते भी हैं और जब ज़्यादा गिटपिट होती है तो वो बताते नहीं हैं कि हाँ हम सीरियस हैं। आप लोगों के पर्सन कुछ लोगों के, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए ऐसे ही होते हैं। लेकिन जैसे कि चीज़ें आगे बढ़ने लगी, आपने कुछ होप लगाने लगे, तो रिश्ते आपके रिश्ते में लगी हुई करवट। आप उनको अपनी लाइफ समझते थे, दुनिया समझते थे, अगर भगवान से बढ़कर भी मैं कह सकती हूँ, और ये भी मैं कह सकती हूँ, अगर आप भगवान के बाद उनको दूसरा भगवान, यानी कि नंबर कहीं आता है जिसको आप प्यार करते हो, इज्जत करते हो, तो वो थे। आपने उनको इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट दे दी, वहाँ क्या हो गया कि सामने वाले के हिसाब से ज़्यादा थाली परोसी जाएगी तो बेकार तो होगी। ऐसे ही आपका रिश्ता बेकार हो गया। इसमें उनकी भी गलती है, लेकिन थोड़ा आपको भी इनबैलेंस था आपके आपके नेचर में। आपका ज़्यादा प्यार उनको संभाले नहीं संभला। मैं कई बार कहती हूँ कलयुग है, ये भी बहुत एक अच्छा है कि किसी का भला करो, पर इतना भी मत भला करो कि अपना बुरा हो जाए। और ये भी एक सबसे बड़ा भला है कि किसी का बुरा मत करो। जब आप किसी का बुरा नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली सबका भला ही होता है। तो इसी बीच जब रिश्तों में आपने ज़्यादा कुछ सोचना शुरू करा, रिश्ते आपको आगे बढ़ने लगे, तो आपके रिश्ते में आ गया ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट इशू और फैमिली, बाहरी लोगों का हो गई एंट्री, इंटरफेयर, कलेश, लड़ाई, झगड़े। ऐसा हो गया कि भले ही किसी का शरीर का बाहरी घाव ना हो, लेकिन आपके दिल के अंदर ये घाव सेट हो गए। आपको उन लोगों ने इस एनर्जी में डाल दिया। चीज़ें छुपाते थे आपके पर्सन, नहीं बताते थे कि वो कैसे माहौल में पले हैं या कैसे कौन से इंसान है जो उनके रिश्ते को उंगली उठाएंगे। लेकिन ट्रस्ट इशू आपके रिश्ते में जब आपका रिश्ता खराब हुआ तो रहने लग पड़ा। तो क्या था, भले ही आप उनको अपनी दुनिया समझते थे, उनके लिए ये सब, इतनी बातें बढ़ गई, इतनी चीज़ें बढ़ गई कि एक दिन वो आपको छोड़ गए और आपको इस एनर्जी में छोड़कर चले गए, चले गए आपको इस एनर्जी में छोड़कर। और आज भी आप उनका रास्ता देखते हो, सोचते हो कि कोई ऐसा करिश्मा हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, चाहे ही या चाहे शी या सॉरी, तो मेरी ज़िंदगी बदल जाए। मैं, और मुझे लगता है आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हो जो आपकी इतनी गलती नहीं है, और कभी आप दुखी होते हो, सोचते हो कि शायद मेरी मिस्टेक थी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। पर ऐसा अपने आप को दोष नहीं देना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आप संयोग वश मिले थे, एक चीज़ें आगे बढ़ी, आपके पर्सन ऐसे थे जो रिश्ते में, इन रिश्तों को संभालने के लिए बहुत सारा माइंड, बहुत सारे पेशेंस और एक ट्रस्टवादी इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ ये कमी आ जाती है, ये रिश्ते बेकार हो जाते हैं। तो ऐसे आपको छोड़कर वो चले गए और आप आ गए इस एनर्जी में। अब आपकी ऐसी कंडीशन है
कि आप अकेले भी उनको मिस करते हो और हर दम उनके लिए एक रास्ता ऐसा खोजते हो कि जो वो आपकी लाइफ में एंटर करें और आपकी लाइफ में खुशियां आ जाएं। तो देखिए बॉटम क्या आया है, फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स बता रहा है कि भले ही आपके पर्सन ने आपको कितनी भी परेशानियां दी है, कितने ही दुख दिए हैं, कितना ही दिल तोड़ा है आपका, हर वक्त उस टाइम आपको इस एनर्जी में छोड़ के गए हैं, लेकिन आज अपने पास्ट को याद करके बहुत दुखी हैं और अपने ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, अकेले बैठ के आपको मिस भी करते हैं। अगर इनके फैमिली वाले कोई इनके लिए दूसरा ऑफर लाते हैं या इनकी लाइफ में कोई और एंटर करना चाहता है, तो इन्होंने अपने दिल के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए हैं, क्योंकि इस चीज़ को ये समझ गए हैं, गलतियां सिर्फ इन्हीं की थी, कमजोरियां भी इन्हीं की थी, पहला उठाया हुआ प्यार की तरफ कदम भी इन्हीं का ही था और फैसला भी इन्हीं का था। आप सिर्फ मोहरा बन के इनकी ज़िंदगी में, इन्होंने आपको सिर्फ मोहरा समझा है, इस चीज़ का इनको रियलाइज़ है। और जब इंसान किसी चीज़ के लिए पछतावा करता है तो क्या होता है, वो भगवान उसको जरूर देता है। यहाँ कुछ ऐसे कार्ड आए हैं जो आप लोगों को अब एक करने वाले हैं। देखिए गाइज, एस ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि परेशानियाँ आप दोनों ने देखी हैं, आपने ज़्यादा देखी हैं, लेकिन उस इस टाइम जो जिस एनर्जी में वो है, वो कम दुखी नहीं है। लाइफ में गॉड आपके ज़िंदगी फिर संवारेगा, फिर अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि आपका जो वक्त था एक साइकिल ख़त्म हो गया, वो संयोग वक्त किस्मत कनेक्शन था, आगे आपका लाइफ अच्छा होने वाला है। ये दोनों कार्ड जो है रिकन्सिलेशन के हैं, जो लोग रिकन्सिलेशन का इंतज़ार करते हैं, हो सकता है जो आपका पार्टनर हो, वो आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो, फैमिली फ्रेंड हो, या कोई पुराना बचपन का मित्र हो, रिकन्सिलेशन होने वाला है आप लोगों का, और वो आपकी लाइफ में एंट्री करके आपको प्रपोज करके अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। ये है अपने उन पलों का, क्योंकि उनको पता है कि फाइनेंस और फैमिली दोनों ही इस चीज़ को में आए, क्योंकि वो एक संयोग वक्त किस्मत कनेक्शन था आपकी लाइफ में आया, और ये एक आपका कर्मा था जो आपने फेस किया। आगे आने वाली चीज़ें आपकी सही होगी, लेकिन गाइस आपने रखना है ध्यान, आगे जो कमियां पहले थी उनमें या आप में, उन चीज़ों को लेके चलना होना है आपको आगाह। तो चलिए देखते हैं, अगर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। ज़िंदगी में आखिर वो क्यों आए, क्योंकि किस्मत कनेक्शन था, बिगाड़ने वालों ने बहुत बिगाड़ा, लेकिन पहले सबसे पहले ये देखती हूँ कि उस जल्दी आपकी लाइफ में आ जाए, यानी कि 2021 में एंट्री कर जाए, या उनके अगर वो आपके और रिश्ते में थोड़ा सा भी मनमुटाव है, कैसे सुधरेगा। तो चलिए देखते हैं, एक कार्ड निकालना बनता है, आपके रिश्ते में सुधार कैसे आएगा। गाइस ये कार्ड ऐसा है जो सारी बातें बोल देता है। देखिए आप भी पास्ट को लेकर, आप भी पास्ट को लेकर गर्दन झुकाए, यानी कि पीछे को पास्ट का सोचते हो, और आपके पार्टनर भी पास्ट का सोचते हैं, तभी आपकी एनर्जी जो है खराब वाली नेगेटिविटी एनर्जी मैच करती है। तो इनका तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि ये तो मेरी रीडिंग देख नहीं रहे, आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो मैं यही कहूँगी कि ये कार्ड ये बताता है कि आप पास्ट को बूझ कर आगे चलें। आगे चलेगा मतलब ये नहीं कि आप किसी का हाथ थाम ले, कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव बनिए, अपने डेली अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, अपनी ज़िंदगी से अपने को सुंदर बनाइए, ताकि आपकी तरफ जो गया इंसान है फिर आ जाए, और वो जल्दी आएगा। जब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगोगे तो नेगेटिविटी यहाँ से भी हट जाएगी और यहाँ से भी हट जाएगी, मन खुश होगा तो अपने आप चेहरे पे भी स्माइल आएगी और ज़िंदगी में भी स्माइल आएगी, लाइफ अपने आप खुशियों से भर जाएगी। तो क्या करना है, जो पास्ट के खराब मोमेंट है, बैड मोमेंट है, उनको भूल जाइए, और आगे जो है अच्छा अपना कोई कैरियर, अपनी स्टडीज, अपनी जॉब, या अपने आप से सेल्फ लव, अपनी ब्यूटी, सब पे ध्यान दीजिए और खूबसूरत बन के सारे जग को खूबसूरत करिए, और अपनी लाइफ को सबसे पहले अपने आप से प्यार करोगे तभी सामने वाला कोई प्यार करेगा,
जब खुद ही हम कीचड़ से दोबारा दोबारा कीचड़ में जाएंगे तो कौन हमें रो रो निकालेगा, समझ गए ना। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, वो आपकी जिंदगी में आए, संयोग वक्ष आए, किस्मत कनेक्शन था आपका, लेकिन लाइफ आपकी वही सेट होगी। इसके लिए आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूल, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता।